हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, अगर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो आपके लिए दोस्तों हमारे पास दो बुक हैं। ये ऐसी बुक हैं जो कि आपकी मेडिकल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये दोनों बुक हमारे एक फ्रेंड जिनका नाम डॉक्टर अमन अग्रवाल है, उन्होंने हमें ये गिफ्ट में दी है। ये हमारे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। आपने इनका चैनल के बारे में सुना होगा, मेडिटोनिक। 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो इन्होंने हमें ये जो है गिफ्ट की है। तो इस बुक में, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ दो बुक हैं, जिसमें सबसे पहली बुक, इसका नाम है दी डायग्नोस्टिक बुक। इसमें लिखा है डॉक्टर कैसे किसी मरीज़ की बीमारी का पता लगाते हैं। तो इसमें सब कुछ दे रखा है। जैसे हम इसको खोलेंगे तो इसमें जो है, यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आप इंडेक्स में देख सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि बेसिक एग्जामिनेशन के अंदर आप केस स्टडी में देखेंगे, इंडेक्स में काफ़ी सारे चैप्टर हैं इसके। जैसे कि पेशेंट विद फीवर नो चिल्स, मतलब पेशेंट बुखार के साथ और जाड़ा नहीं लगना, तो नो चिल्स का मतलब होता है ठंड नहीं लगना, कपकपाना नहीं। और पेशेंट विद फीवर विद चिल्स, मतलब पेशेंट को बुखार आ रहा है ठंड के साथ। और पेशेंट विद कॉमन कोल्ड एंड फीवर, और पेशेंट विद कफ, पेशेंट विद डायरिया, और पेशेंट विद वीकनेस। तो इस तरह के काफ़ी सारे इसमें चैप्टर दे रखे हैं, सब कुछ समझा रखा है कि किस तरीके से, अगर आप डॉक्टर हैं तो किस तरीके से आप जो है डायग्नोस करेंगे पेशेंट से, किस तरीके से काउंसलिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है पेशेंट विद फीवर नो चिल्स, मतलब पेशेंट को बुखार तो है लेकिन ठंड नहीं लग रही है। तो इसमें जैसे कि यहाँ लिखा है, पेशेंट डॉक्टर से कहेगा, डॉक्टर मुझे 3 दिन से फीवर है, बहुत कमज़ोरी भी है। तो डॉक्टर पूछेगा, डू यू हैव कोल्ड एंड कफ, क्या तुम्हें खांसी और ज़ुकाम भी है? तो पेशेंट कहेगा, नो नो डॉक्टर, खांसी और ज़ुकाम नहीं है। और नीचे लिखा है, डॉक्टर डू यू हैव थ्रोट पेन, क्या तुम्हारे गले में दर्द है? और पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग, मतलब सूजन भी है? तो पेशेंट कहेगा, नहीं सूजन नहीं है। फिर टॉर्च से टंग चेक करेंगे, मतलब डॉक्टर जो है जबान चेक करेंगे लाइट से, टॉर्च से, और उसके बाद जो है स्केलरा चेक करेंगे, और जो है एपेटाइट्स, भूख पूछेंगे कि भूख कैसी लग रही है, और यूरिन कलर, मूत्र का, पेशाब का कलर कैसा आ रहा है, ये सब पूछेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ लिखा है कि इफ़ येल्लो स्क्लेरा, लो एपेटाइट एंड येल्लो यूरिन, ये तीनों चीज़ें अगर देखी गई तो जॉन्डिस, मतलब पीलिया हो सकती है। और अगर मरीज़ में हेडेक, सिर में दर्द, वीक वोमेटिंग, फीवर, और ये सारी चीज़ें देखी गई तो इसका मतलब मेनिनजाइटिस है। तो इस तरीके से जो है डॉक्टर किसी के डॉक्टर से जो है किसी भी पेशेंट से उसकी बीमारी का पता लगाते हैं, सारी बातें पूछते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि इसमें जो है सारी तरीके से सब तरह से बता रखा है कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। जैसे यहाँ पर लिखा, पेशेंट विद कफ, मतलब पेशेंट को खांसी। तो यहाँ पर लिखा, डॉक्टर मुझे 5 दिन से खांसी हो रही है। और उसके बाद डिफरेंटल डायग्नोस ऑफ कफ, खांसी के प्रकार। और जैसे यहाँ लिखा, कफ एक क्रोनिक खांसी होती है, मतलब 6 हफ्ते से पुरानी खांसी, और एक हो गई एक्यूट एक्यूट कफ, मतलब 6 हफ्ते या इससे नई खांसी। तो दोनों अलग अलग खांसी होती है। तो जब ये खांसी पेशेंट बताएगा कि 6 हफ्ते से पुरानी है, तो एक्सरे करने के लिए डॉक्टर बोलेंगे, जिसमें नॉर्मल एक्सरे भी होगा और एबनॉर्मल एक्सरे भी आ सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में समझा रखा है। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है, साथ में एक बुक और है, आप देख सकते हैं, दी डायग्नोस्टिक बुक कैप्सूल। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, स्पाइनल कोड, हड्डी वगैरह के बारे में सब कुछ दे रखा है इसमें। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तब भी आपके लिए दोनों बुक जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आपको अगर ये बुक्स चाहिए तो हमारे फ्रेंड अमन अग्रवाल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका इनके चैनल का लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों बुक्स को परचेज़ कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या आप नर्सिंग स्टाफ से हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें बारीकी से बताया है कि किस तरीके से हम पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, पेशेंट्स को देख सकते हैं, क्या क्या पूछना होता है, क्या क्या जानकारी पेशेंट से लेना होती है। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो आप इस जो है बुक को परचेस कर लीजिए। दोस्तों सारी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि आप इसे कैसे परचेस करेंगे, बहुत सस्ती बुक्स हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।